नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत सरकार की तरफ से जारी की गई एक नई पोर्टल के बारे में। दोस्तों भारत सरकार की तरफ से आप लोगों का एक नया पोर्टल यहां पे लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप लोगों का जितना भी सर्विस होता है सभी सर्विस जो है एक ही पोर्टल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप जो है सिर्फ एक पोर्टल पे जाइएगा और आप जो है किसी भी राज्य से आते हैं तो आप जो है किसी भी ऑनलाइन जो सर्विस आप लोगों का मिलता है उस सर्विस का लाभ आप यहाँ पे उठा पाइएगा। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे बिहार से आते हैं और आप लोगों को यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आप लोग को यहाँ पे जो है आय प्रमाण पत्र बनाना है या फिर आप लोग को जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, कुछ भी आप लोग को बनाना है और आप लोगों के राज्य में जो है वह ऑनलाइन आप लोगों का बनता है तो उस सर्विस को आप जो है वहां से यूज कर पाइएगा। इस पोर्टल पे लगभग 13,000 से ज्यादा आप लोगों का जो सर्विस है वो अभी यहां पे जो है जोड़ दिया गया है। लगभग 13,000 सर्विसेज का लाभ जो है आप इस पोर्टल से उठा पाइएगा। तो आज के इस ब्लॉग को हम जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों का ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस तरीके से आप लोगों को जो है इस पोर्टल का उपयोग करना है और किस तरीके से सर्विसेज का लाभ आप लोगों को उठाना है, सब कुछ मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं। यहां पे जो आप लोगों को सर्विसेज मिलती है दोस्तों वो मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा सर्विस देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग यहां पे जो एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों का जो सर्विस है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप लोगों का हेल्थ सेक्टर से जो रिलेटेड यहां पे सर्विस है वो देखने को मिल जाएगा। आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल और ये सारा कुछ जो रहता है वो सारा यहां पे सर्विस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ में जॉब्स का सर्विस आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाएगा। यहां पे सिटीजनशिप वाला जो सर्विस होता है वो सब यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यानी कि लगभग जितना भी कैटेगरी का आप लोगों को यहां पे जो सर्विस होता है सारा सर्विस आप लोगों को जो इस पोर्टल पे उपलब्ध करवा दिया गया है। अब मैं आप लोगों को पूरा जानकारी देता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को पोर्टल यूज करना है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में टाइप करना होगा YTDC। आप जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग को लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देखो दोस्तों ऑल इंडिया न्यू सर्विस पोर्टल 2022, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इस पोस्ट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। उस पर आपको नीचे करना है, नीचे करने के बाद यहाँ पे मैंने आप लोग को पूरा जानकारी दे रखा है। आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग को न्यू पोर्टल लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये जो है आप लोग का पोर्टल यहाँ पे बनाया गया दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोर्टल है यहाँ पे आप लोग का लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे साइड में आप देख पाओ दोस्तों कि सर्विसेज रिलेटेड टू यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा है, यानी कि आप लोग का कौन कौन सा सर्विस है वो आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों एजुकेशन एंड लर्निंग का सर्विस है, हेल्थ एंड वेलनेस का सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड लोकल सर्विस है। यहाँ पे आप लोग का मनी एंड टैक्सेस का सर्विस है, यानी कि आप लोग का टैक्स का जो भी सर्विस होता है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जॉब्स आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जस्टिस लॉ एंड ग्रेवियांस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हर टाइप का आप लोग का जितना भी यहाँ पे सर्विस होता है सारा सर्विस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आप लोग को पेंशन एंड बेनिफिट आप लोग का जो मिलता है, जो भी आप लोग का पेंशन मिलता है उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितना भी आप लोग का पेंशन मिलता है वो आप लोग यहाँ पे शो कर देगा, जितना भी पेंशन है सारा स्कीम आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे आप देख लीजिए इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम सेंक्शन एंड पेड यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप लोग को बहुत सारा यहाँ पे सर्विस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र ईयरली वेरिफिकेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान से अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे जो फुल्ली आप लोग का ऑनलाइन है, यहाँ पे आप देख लीजिए आप लोगों का फुल्ली ऑनलाइन यहाँ पे शो कर रहा है। आप ऑनलाइन यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पे अपना बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक एप्लीकेशन स्टेटस छत्तीसगढ़ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एप्लीकेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और भी आप लोग का बहुत सारा सर्विस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे आप देख लीजिए पेज 1, 2, 3, 4 आप लोगों का किया हुआ है, तो यहाँ से आप क्लिक करके अपना यहाँ पे चेक कर पाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे सर्विस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑल कैटेगरी आप कीजिएगा तो आप लोग का जितना भी कैटेगरी होगा यहाँ पे आप लोग का शो कर देगा। आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से आप लोग का कैटेगरी शो कर देगा। तो इस तरीके से आप लोग का जो भी सर्विस यहाँ पे आपको यूज करना है, मान लीजिए कि आप लोग को पासपोर्ट यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए अवेल सर्विस ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय ब्यूरो इमिग्रेशन, यानी दोस्तों यहाँ पे जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग आप लोग को यहाँ पे सर्विस जो है देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है, मान लीजिए कि आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, बंगाल से हैं, किसी भी राज्य से आप आते हैं और चाहते हैं कि हमारे राज्य में जो सर्विस यहाँ पे ऑनलाइन हो चल रहा है उस सर्विस के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करें, उसका लिंक हमको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। तो यहाँ पे आप लोग को एडवांस
एडवांस सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि क्या सर्विस आप लोगों को यहाँ पे देखना है, यानी कि किस सर्विस के लिए आप लोगों को आवेदन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा सर्विस देखने को मिल जाता है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी सर्विस आप लोगों को चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब मान लीजिए दोस्तों हमको यहाँ पे जो पेंशन वाला सर्विस देखना है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे पेंशन एंड बेनिफिट, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है अलग अलग पेंशन का आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप पेंशन देख लीजिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप लोग का देखने को मिल रहा है, सीनियर सिटीजन देखने को मिल रहा है। तो जो भी पेंशन आप लोगों को क्लिक करना है वो क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप लोग का पेंशन स्कीम में जितना भी स्कीम चलता है उसके लिए आप लोग को पेंशन वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का स्टेट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे अपना जो स्टेट होगा उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का जो राज्य होगा उसमें जो भी पेंशन के लिए आप लोग का ऑनलाइन चल रहा होगा वो आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए बिहार में सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो आप लोग का होता है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसके अंतर्गत की आप लोग का यहाँ पे जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन आप लोग का आता है, उसके लिए आप लोग का फुल्ली ऑनलाइन होता है। और यहाँ पे आप लोग को लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को दूसरा वेबसाइट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा। तो इसी तरीके से आप लोग को लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ईडब्ल्यूएस अगर आप बनाना चाहते हैं सीओ लेवल से तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे जो है आप लोग का आरटीपीएस का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप जो अपना अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पे कुछ भी आप लोग को अप्लाई करना है सारा कुछ कहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा और सभी राज्यों कहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप मान लीजिए दोस्तों आप लोग को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, फिर से एडवांस सर्च पे आप लोग को आना है। यहाँ पे आप लोग को बर्थ सर्टिफिकेट वाला जो रहेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए आप लोग का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपना जो राज्य होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करना होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई होता है तो यहाँ पे आप देख लीजिए अप्लाई फॉर इश्यूएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जितना भी आप लोग का सर्टिफिकेट होगा सारा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक आप लोग को प्रोवाइड करवाया गया है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। सीओ लेवल का आप लोग को देखने को मिल जाएगा, एम लेवल का देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग को फुल्ली ऑनलाइन आप लोग को देख लेना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप जो डायरेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप लोग का सारा कुछ बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो अपडेट जारी किया गया है और ये पोर्टल आप लोग का लॉन्च किया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मित्रों तक के लिए धन्यवाद।